तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुम तो प्यार हो सजनी, तुम तो प्यार हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात कर रहे हैं राग विहाग की। बहुत ही खूबसूरत और बहुत पॉपुलर राग है राग विहाग। बहुत बेसिक राग है लेकिन इसका रेंज बहुत बड़ा है। जैसे प्योर क्लासिकल म्यूज़िक में जितने बड़े बड़े माइस्ट्रोज हैं वो लोग राग विहाग में ख्याल गाते हैं, तराना गाते हैं। फिर सेमी क्लासिकल, सुगम संगीत, गज़ल, फिल्मी गीत, हर जगह बहुत प्रमुखता से राग विहाग चलन में है और प्रयोग होता है। फिल्म संगीत में तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत बने हैं राग विहाग में। आगे हम लोग इस वीडियो में उन गीतों को गुनगुनाएंगे भी और चर्चा करेंगे उस विषय में। पहले ज़रा राग विहाग का स्ट्रक्चर समझते हैं। राग विहाग, जैसे पिछले वीडियो में भी हम लोग बात कर रहे थे कि हर राग किसी न किसी ठाट के ऊपर बेस्ड होता है, तो ये राग विहाग जो है ये विलावल ठाट का राग है, विलावल ठाट के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें क्या है, आरोह में 5 स्वर लगते हैं, स ग म प नी। इसमें ऋषभ और धैवत, ये ऋषभ मतलब रे, धैवत मतलब ध, ये दोनों वर्जित रहते हैं आरोह में। अवरोह में 7 स्वर लगेंगे, स नी ध प म ग रे सा। तो इसका इसकी जाति जो है वो हो जाएगी औरव संपूर्ण। अब राग की जाति क्या है, ज़रा एक मिनट में समझ लेते हैं राग की जाति। मुख्यतः 3 प्रकार की जाति होती है राग की, औरव, शाड़व और संपूर्ण। औरव का मतलब अगर राग में 5 स्वर इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसकी जाति होगी औरव। अगर 6 स्वर इस्तेमाल होंगे तो शाड़व, और अगर 7 स्वर लग रहे हों तो संपूर्ण। अब इसमें क्या है, किसी भी राग में आरोह में और अवरोह में अलग अलग स्वर भी लगते हैं। तो जैसे राग विहाग की अगर बात करें, आरोह में 5 स्वर तो औरव, और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं तो संपूर्ण। तो इस राग की जाति हुई औरव संपूर्ण। अगर इसी में आरोह में 5 स्वर लग रहे हैं, अवरोह में अगर 5 ही स्वर लगते अवरोह में भी, तो इसकी जाति होती औरव औरव। अगर अवरोह में 6 स्वर लग जाते हैं तो इसकी जाति होती औरव साड़व। अगर अवरोह में 7 स्वर लगते तो जाति होती औरव संपूर्ण। अगर आरोह में भी 7 स्वर, अवरोह में भी 7 स्वर लग रहे हैं तो उसकी जाति हो जाएगी संपूर्ण। तो 3 प्रमुख जाति है, और इसको अगर कंबाइन करें तो मैक्सिमम 9 तरह की जाति बन सकती है किसी भी राग की। तो ये राग की जाति के विषय में आज हम लोगों ने बातें की। अब हम लोग राग विहाग पे आधारित कुछ फिल्मी गीत एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला जो गीत मेरे जहन में आता है वो मैडम नूरजहां, उनका गाया फिल्मी गीत है। पाकिस्तानी फिल्म का नाम मुझे जहन में नहीं है अभी, वो ऐसे है, लट उलझे सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगे हाथ रे। लट उलझे सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगे हाथ रे। चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चाह डसे सारी रात रे। लट उलझे सुलझा जा रे बालम। तो बहुत खूबसूरत गीत ये मैडम नूरजहां का, पाकिस्तानी फिल्म में। फिर आगे जैसे बहुत फेमस ये आर डी बर्मन और आनंद बख्शी साहब का आपकी कसम फिल्म में, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान,
वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने पे खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज़ जो बिछड़ जाते हैं, वो बहारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बहुत खूबसूरत गीत। फिर आडी बर्मन साहब और गुलजार, फिल्म का नाम परिचय। बीती ना बिताए रहना, बिरहा के जाए रहना, भीगी हुई आँखियों में रात न आए रहना, बीती ना बिताए रहना, बिरहा के जाए रहना। युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के पल नहीं जाए। झूठ से काली लागे, लागे काली रतियाँ, रूठी हुई आँखियों में रात न आई रहना, बीती ना बिताए रहना, बिरहा के जाए रहना। फिर गृह प्रवेश फिल्म में बंगाली म्यूज़िक डायरेक्टर हैं कानू रॉय, उनका म्यूज़िक है, बहुत खूबसूरत गाना, राग विहाग पे आधारित। रात में घोले चांद की मिश्री, दिन के गम नमकीन लगते हैं, नमकीन आँखों की नशीली बोलियाँ, नमकीन आँखों की नशीली बोलियाँ, बोलिए सुरीली बोलियाँ, बोलिए बोलिए सुरीली बोलियाँ। फिर असली नकली देवानंद साहब की फिल्म, उसमें शंकर जयकिशन का आपका म्यूज़िक और बहुत खूबसूरत गाना। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मो सितम, सर आँखों पर मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम, सर आँखों पर। उम्मीद करता हूँ राग विहाग पर आधारित गीत आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। राग विहाग का परिचय समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और राग के साथ और अच्छे अच्छे गीतों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।